हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है कुमार टेक। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ रिप्लेस के बारे में, जो कि एक रिप्लाई आया था, मतलब एक कमेंट्स आया था मेरे चैनल में कि घोस्ट इफेक्ट बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। तो आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप घोस्ट इफेक्ट बना सकते हो काइनमास्टर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। और वीडियो देखने से पहले हर बार की तरह इस बार भी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ काइनमास्टर ओपन करते हैं, और काइनमास्टर ओपन करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ टी प्रोजेक्ट पे, उसके बाद अपना मीडिया सिलेक्ट कर लेंगे। मेरा मीडिया यहाँ पर है तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला, और इसे ओके कर देता हूँ। देखिए दोस्तों वीडियो कुछ उसके पहले एडिट, हाँ तो वीडियो कुछ इस तरह का है। जब मैं प्ले करता हूँ तो मैंने पहले ये शूट किया था ऐसे, रेस्ट इसको काट देते हैं यहाँ पर। तो ये मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अभी प्ले करके देखते हैं, जब इसे प्ले करता हूँ तो ये कुछ इस तरह का प्ले होता है दोस्तों। वीडियो आपको इसी तरह से शूट करना पड़ेगा, वरना ये नहीं होगा। मैं तो यहाँ बैठ के शूट कर रहा हूँ, आप चाहे तो सो के लेट के कुछ तरह के शूट कर सकते हैं वीडियो, और इसके बाद आप उसको एडिट कर सकते हैं। पहले यहाँ पर ये सोया हुआ है, और उसके बाद अब ये उठ के यहाँ से चला जाता हूँ, ठीक है। मैं कुछ ऐसे एक्टिंग कर रहा हूँ जैसे कि यहाँ पर कोई बैठा है, तो वैसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको भी ऐसे ही शूट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा इसी तरह से, तो जाके आपका वीडियो जो है कुछ अलग लगेगा, सबसे अच्छा लगेगा। तो वीडियो आपको इस तरह से शूट करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, पहले वीडियो ये ले लिया, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है, फिर मीडिया पे, फिर वही वीडियो आपको सिलेक्ट कर देना है एज ए डबल लेयर, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ क्लिक करना है और इसको फुल स्क्रीन कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले वीडियो की यहाँ पर आइए, क्रोमा की पे इसको इनेबल कर दीजिए, और इसके बाद बैक दीजिए, और इसका जो अल्फा ओपेसिटी है थोड़ा सा कम कर दीजिए। अभी हम प्ले करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। दो वीडियो जो है लग रहा है एक जैसे, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ इस पॉइंट पे जहाँ पर मैं मतलब बैठता हूँ और ये सोनिक एक्टिंग करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे सो जाता हूँ, ठीक है। सोने के बाद यहाँ से उठता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस पोजीशन में, यहाँ पर इस पोजीशन में मुझे यहाँ क्लिक करना है, और सिंपली उसको यहाँ पर क्या करना है, मुझे ट्रिम कर देना है, ठीक है। स्प्लिट एट प्ले हेड कर देना है, स्प्लिट एट, ये स्प्लिट कर दिया मैंने। और उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और कैप्चर एंड सेव फ्रेम एट प्ले हेड पे क्लिक कर देना है। ये कैप्चर हो गया है, तो मुझे जाके इसी पॉइंट पे जो है वो फोटो, ये वाला फोटो डाल देना है, जितना देर तक वो मतलब घोस्ट वाला इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके स्टार्ट पोजीशन सिलेक्ट करके यहाँ पर इक्वल का जो आइकन है वो प्रेस कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो है आपको इफेक्ट नज़र आ रहा है। मुझे क्या करना है, सॉरी, अल्फा ओपेसिटी थोड़ा सा इसका बढ़ा देना है, थोड़ा सा, ताकि ये घोस्ट की तरह लगे। जब मैं इसे आगे ले जाता हूँ
और जो बाकी का हिस्सा है उसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर इफेक्ट स्टार्ट होगा, ये देखिए। देखिए दोस्तों, ये घोस्ट इफेक्ट है, अभी रिकॉर्ड हो रहा है, शूट हो रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है। बाकी आप जब एडिट करोगे तो वो बिल्कुल फ्री चलेगा, ठीक है। और इसका रेजोल्यूशन बहुत हाई है, इसलिए 4K वीडियो मैंने शूट किया था, तो आप सीख चुके हैं घोस्ट इफेक्ट कैसे बनाते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे बताइए, और अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही हो काइनमास्टर में एडिटिंग करने से तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।